दोस्तों बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट और मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना अपनी तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। ये बात तो किसी से नहीं छुपाई। दोस्तों आपको बता दें कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। इसे देखकर सबने ये कयास लगाया कि शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई, लेकिन अब इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल आपको बता दें हिमांशी खुराना इन दिनों PCOS के दर्द से गुजर रही हैं और उनकी हालत बेहद ही खराब। एक सूत्र ने बताया कि उनका PCOS बहुत खराब स्तर चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें सूजन आ गई है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। हिमांशी खुराना की हालत इतनी खराब हो गई कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से वे फ्लाइट में उन्हें व्हीलचेयर के जरिए अंदर ले जाया गया था। दोस्तों सूत्रों ने आगे बताया कि उनका एक शूट चल रहा था जिसके लिए उन्होंने बहुत पहले से कमिटमेंट किया हुआ था। वो उस शूट को कैंसल नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो शूटिंग के बाद वो सर्जरी करवाएंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। फिलहाल हम उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं, अभी उन्हें बहुत दर्द है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो ये है कि कुछ समय पहले हिमांशी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में उन्होंने चूड़ा पहना हुआ था। उनकी इस तस्वीर को बेहद पसंद किया गया था और आपको बता दें फैंस उनसे लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या आपने शादी कर ली है। आपको बता दें उन्होंने हाथ में मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की तरह आसिम और हिमांशी खुराना की जोड़ी बिग बॉस में बनी थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था और प्यार भी दिया था। आसिम ने तो बिग बॉस 13 के घर में ही हिमांशी को प्रपोज भी कर दिया था। हालांकि हिमांशी ने घर के बाहर आने के बाद आसिम को पसंद करने वाली बात कही थी। आपको बता दें पिछले दिनों आसिम की फैमिली के साथ हिमांशी की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही थी। खैर, हम तो अभी यही चाहते हैं कि हिमांशी खुराना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ वाला बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।